मैं हिंदी में बोलूं चलेगा? सबसे पहले तो नमस्कार, ईद मुबारक। मैंने बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, मैं मानती हूँ, पर रहमान जी का जो एक स्टाइल है वो अलग है, तो इनके साथ काम करने का एक अलग ही मतलब बात होती है। क्योंकि जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तब कोई नहीं होता है, मैं और रहमान जी होते हैं और गाना हो जाता है, और बाद में वो सब म्यूजिक वगैरह उसमें डाला जाता है, कोरस वगैरह डाला जाता है, और वो इतना परफेक्ट होता है कि सुनते वक्त बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो पिक्चर का बैकग्राउंड है, मतलब जिस पे पिक्चर बनी है, उसको कैसा म्यूजिक होना चाहिए, इसका रहमान साहब को काफी अच्छा अंदाजा है, मतलब यही मेरा ख्याल है। और इनके साथ गाने में मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि काफी फ्रीडम होती है, कोई ऐसा नहीं होता है कि ये करो या वो करो, ऐसा ही गाओ वैसा ही गाओ। हालांकि मैं मानती हूँ कि बहुत सालों से मैं गा रही हूँ और रहमान साहब मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में, मैं ये कहती हूँ कि अपने काम में वो मुझसे भी बड़े हैं। थैंक यू सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब की बार आपकी क्या उम्मीदें हैं और जो कॉन्सर्ट आप करेंगे? तो पिछली बार तो बहुत अच्छा था, मुझे कोई हैदराबाद वालों से शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इस बार अभी मेरे लिए ये एक नई बात है कि मैं रहमान साहब के साथ गा रही हूँ। मैंने अब तक फिल्मों के लिए रहमान जी के साथ सिर्फ 6 गाने गाए हैं और उनका गाना मैंने लास्ट शो में गाया था, जिया जले, और मुझे उम्मीद है कि कल जो शो होगा वो शायद आप लोगों के लिए, आप लोग उसको भूलेंगे नहीं, याद रहेगा हमेशा। That you wanted, you met the Chief Minister Chandrababu Naidu also. So what is the outcome of that proposal? Has anything come out? हॉस्पिटल की बात पूछ रहे हैं आप? जी, हमारा हॉस्पिटल शुरू हो गया है और बहुत अच्छा चल रहा है, हमने शो उसी के लिए किया था यहाँ पे, और उसमें एक अजीब बात है कि हम लोगों को जो पैसा देना था वो जी ने दिया नहीं अभी तक। मतलब मुझे या उनको नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं, अभी तो हम लोग और भी तो शोज कर रहे हैं, और बाकी हमारा हॉस्पिटल जहाँ तक है बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि आप आके देखिए, मेरे ख्याल से शायद एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल है हमारा दीनानाथ हॉस्पिटल, ऐसा मेरा ख्याल है। आप लोग आके जरूर उसको देखिए, तब आपको भी मालूम हो जाएगा कि कितना अच्छा बना है। लता जी, पुराने और आज के म्यूजिक डायरेक्टर में क्या अंतर है? एक और बात, आप अपना सक्सेसर या अपना जानशीन किसको समझती हैं आज की गुलुकाराओं में? आज के संगीत में मैं बहुत कम गा रही हूँ, क्योंकि अभी तो सब नए नए लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी जगह वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अभी मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें भी थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, मतलब बहुत काम किया, मैं 60 साल हो गए मैं काम कर रही हूँ, जब मैं 13 साल की थी तब मैंने शुरू किया काम करना, और आज भी मैं थोड़ा थोड़ा गा रही हूँ, पर मैं ऐसी जगह गाती हूँ जहाँ बहुत लोग मुझे कहते हैं कि नहीं आप गाइए, एक गाना गाइए, ज़रूर गाइए,
सब मैं गाती हूँ, ज्यादा नहीं गाती हूँ। नहीं, फीमेल सिंगर बहुत अच्छी हैं, अलका बहुत अच्छा गाती है, साधना सरगम है, अलका का तो नाम बहुत अभी है सिंगर्स में, और अपनी अपनी जगह सभी अच्छा गाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा गाना किसे मानती हैं, तो आप कौन सा गाना कह सकती हैं? ये बहुत मुश्किल है। जिंदगी का मुश्किल गाना मैं क्या बताऊँ कौन सा मुझे पसंद है, पर हर एक गाना जो होता है, जो अच्छा गाना होता है, वो अपनी जगह अपने हमारे दिल में छोड़ जाता है, तो वो एक गाना नहीं होता है। अब मैंने हजारों गाने गाए हैं, तो उसमें से ऐसे कितने गाने हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और कुछ गाने ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसमें एक चुनना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, his music is fusion and there's a mixture of music which he uses, whereas you're from the traditional old style of singing. So how do you handle this? And Rehman Saab, how would you handle a voice like Lata Ji's, when in essence you might possibly? I've said this before also, doesn't have any caste, religion or anything. So this proves that if a song which is made, which is written by somebody else, which is composed by somebody else, which is sung, finally it's all one. You can take it's like a human spirit, and there's no, you can't say it's old style or new style. Whether it works or not is the ultimate question. Yeah, so that's it soul. Work. Yeah. Does it work? Yeah. It worked. Okay. So far. Okay. So, God is great. Can Lata ji answer that? No part of it. मैं भी यही कहूंगी कि मैं मानती हूँ कि काफी बड़ा गैप है, पर फिर भी गाने वाले के लिए कोई गैप नहीं होता है, और जो बनाता है म्यूजिक डायरेक्टर गाना, उसके लिए भी नहीं होता है, क्योंकि वो उस आर्टिस्ट को सामने रख के, हाँ ये मैं मानती हूँ कि उतना अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर चाहिए, नहीं तो उठ के कोई भी म्यूजिक करे और कुछ भी बना के सामने रख दे तो हमारे लिए भी मुश्किल हो सकता है। पर जैसे अब रहमान जी हैं, वो जब मेरे लिए गाना बनाते हैं तो उनकी नजर के सामने लता मंगेशकर होती है, और वो गाना बना के मुझे कहते हैं। उन्होंने मुझे और भी पहले एक मरतबा कहा था कि कुछ गाने ऐसे हैं जो आपसे मैं गवाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसका स्टाइल अलग है। तो म्यूजिक डायरेक्टर को भी पता होता है कि लता के लिए कौन सा गाना बनना चाहिए। अभी जो म्यूजिक कंपनीज हैं, अभी जैसे टिप्स हैं, बंद होने की कगार पे है, तो आप जितने भी क्यूज कंपनीज है बंद होने की कगार पे एक तरह से, तो अपकमिंग स्टार्स को मतलब चांस मिलने के लिए मुश्किल हो जा रहा है, और बड़ी बजट के जो भी म्यूजिक एल्बम्स होते हैं प्राइवेट, उसके लिए भी मतलब दूसरी कंपनी तैयार नहीं है, तो उसके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन मतलब इंडस्ट्री ने निकाला है कि नए स्टार्स को चांस देने के लिए? नहीं, ऐसा कोई हो नहीं। हाँ, पुराने गीत नए आर्टिस्ट वही दोहरा रहे हैं, गंदे डांस होते हैं, तो इस ट्रेंड को रोकने के लिए आप कुछ कर रही हैं दूसरे? जी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है मतलब कि जिससे रोक सके। तो ये बात आप सरकार के सामने उठाएंगी? सरकार कानून, आपने कहा नहीं है। सरकार को गाना तो आता नहीं है, तो वो गाने की बात कैसे करेंगे? आपने कहा कि कानून नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है मतलब कहीं भी नहीं है, दुनिया में नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है, और इसको रोकना मतलब सिर्फ आप लोगों के हाथ में है, जो सुनते हैं वो रोक सकते हैं। हम लोग रोक और हम क्यों रोकें? मतलब मेरा अगर पुराना गाना चला हुआ है बहुत,
वो अगर कोई दोबारा गाता है तो उसमें मुझे रोकने का क्या कोई संबंध नहीं आता है।